अंबर अंबर बड़ी बड़ी बात कही, बड़ी बात कही असगर खान साहब ने। असगर खान साहब एक मिनट रुक जाइए, अंबर आ रही है, एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई दोस्त या दुश्मन और तालिबान भी अगर अच्छी सलाह देता है लड़कियों की शिक्षा के मामले में तो हमको तुरंत मान लेना चाहिए इसको। पहले अंबर फिर शबनम। सबसे पहले शाजा एक मिनट अंबर, सबसे पहले जो गंदी जहनियत है, बात कही थी कि महिलाएं आपने बात सुन लीजिए, फिर आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। आपने जो पिछले आपने अभी अभी पिछले अपने बयान में कहा था कि आप उस इमेच्योर एज की बात कर रहे हैं, जब महिलाएं बहुत इमेच्योर होती हैं, उनको समझ नहीं होती, वो गलत हरकतों में या गलत चीजों में पड़ जाती हैं। तो हमें कोई भी समस्या होती है ना तो उसका निवारण करना होता है। हमारे अगर शरीर में कोई अंग जख्मी हो जाता है तो हम उसको काट के नहीं फेंक देते, हमें उसको ट्रीट करते हैं। आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मुझसे ज्यादा आप कानून को समझते हैं। हमारे अगर देश में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन की बात करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप कोई ऐसे रूढ़िवादी तो नहीं लगते देखने से, तो आप इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा ना दीजिए। और दूसरी बात जो लोग आर्टिकल 14 के आर्टिकल 25 की बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल 14 आता है, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना, मैं वेट कर रही हूँ आपकी बात सुन रही हूँ। आर्टिकल 14 पहले आता है ना आर्टिकल 25 से, तो आप इक्वालिटी की बात क्यों भूल जाती हैं? जो संविधान पुरुषों को आपको यहाँ बैठने की इजाजत देता है, वही संविधान मुझे भी यहाँ पर बैठ के अपना ओपिनियन जाहिर करने की इजाजत देता है। अगर महिलाएं पढ़े लिखेंगी नहीं तो उनको उनके अधिकार कैसे पता चलेंगे? भारत क्या मुस्लिम महिलाएं? ठीक है अंबर, अंबर मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। मेरे साथ 1-to-1 बातचीत के लिए गुलजार आजमी साहब है, जो की सचिव है जमीयत उलमाए हिंद के, जिसकी तरफ से आज ये प्रेस स्टेटमेंट आया है। आप गुलजार आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मतलब है अरशद मदनी साहब के ये कहने का? देखिए, हमारा मतलब ये है कि जो आजकल अय्याशी और बदमाशी आम हो रही है, लोग बच्चियों को भगा रहे हैं और उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है, उस पर हमारा ये कहना है कि लड़के अलग पढ़ें, लड़कियां अलग पढ़ें, और कोई मकसद नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन, हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज है। तो कोई मुसलमान तालीम का मुखालिफ नहीं, हाँ हम मखलूक तालीम के मुखालिफ हैं, इसलिए कि उससे बदमाशी फैलती है, अय्याशी फैलती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी उतनी ज़्यादा हिफाजत की जाती है। अगर तांबा पीतल हो या लोहा हो तो रास्ते में कहीं भी फेंक दिया जाता है।